मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज है संडे, आप सभी की मेरी तरफ के हैप्पी थैंक्स संडे। आज का दिन आप लोग का अच्छा जाएगा मेरी तरफ से। मैं आपको वेस्ट कर दिया थोड़ी, तो मैं दो दिन से कुछ भी ब्लॉग्स नहीं बनी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब था, मतलब सर्द में थोड़ा दर्द कर रहा था, इसकी वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ भी नहीं की थी। लेकिन आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अंडी बिरयानी का। तो चलिए, अंडी बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होता है भी मैं आप लोग को बताऊँगी। वीडियो को लास्ट जाए देखिए। आई होप ये ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग्स आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो नहीं आएगा आप उसको मिस ना कर सकते। तो चलिए देखते हैं अंडी बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ। आज थोड़ी बाल पाल धोए इसलिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी चूड़ी वगैरह पहनी हूँ, तो बहुत दिन हो गया चूड़ी वगैरह कुछ भी पहनी नहीं थी, तो आज थोड़ा चूड़ी वगैरह पहन लिया। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, चूड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। बाकी हर बार नहीं पहनती हूँ, इसलिए नहीं पहनती हूँ, चूड़ी पहन के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसकी वजह से नहीं पहनी थी। लेकिन आज थोड़ी मन किया था पहनने के लिए तो पहन लिया है। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अंडी बिरयानी में कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं आप लोग को दिखा दूँगी अंडी बिरयानी के लिए क्या क्या चाहिए। किसको हरी अंडी बिरयानी पसंद होता है लेकिन बोलते हैं कि ज़्यादा झंझट की बात होता है तो बनाने के लिए तो खिचखिचा करते हैं, लेकिन मैं आज का जो अंडी बिरयानी बनाऊंगी बहुत सिंपल तरीके में बनाऊंगी, लेकिन कम जल्दी में बन जाएगा, बड़ा टेस्टी लेकिन लगेगा। तो चलिए पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ क्या क्या उसके लिए चाहिए। सबसे सो आपको ये प्याज था ये फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर छोटा छोटा मैंने कट किया है उसको मसाला बनाने के लिए। इसके साथ मैंने दो टमाटर भी ऐसे छोटे टुकड़ों में पूरा कट करके रखा है, उसके साथ पांच छह मैंने ऐसे हरी मिर्च उसको बीच में कट करके रखा है। उसके साथ यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता पुदीना पत्ता लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जितना चाहिए उतना दूँगी, इतना सारा नहीं दूँगी। इसके साथ यहाँ पर यह मसाला लिया है शाही बिरयानी मसाला, सूखा मसाला भी मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। उसके साथ मैंने यहाँ पे ये दही लिया है। सबसे सब मैं इसके बिना तो बिरयानी बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अंडी लिया है। यहाँ पे मैंने आठ अंडी लिया है, उसको उबाल के यहाँ पे छिलका उतार के मैं उसका रखा है। उसके साथ मैंने यहाँ पर ये शाही बिरयानी मसाला लिया है, चावल लिया है, ये बासमती राइस है आप देख सकते हो, उसको धो के भी मैंने रखा है उसका चावल बनाने के लिए, मतलब जो भात है वही बनाने के लिए। उसमें मसाला डालने के लिए आप देखते जाओ फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि एक एक करके बताऊंगी ना तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो आपको देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। पहले मैं चावल थोड़ा कर लूँगी। चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है, एक मिनट। यहाँ पर एक पतीला मैंने बैठा दिया है चावल बनाने के लिए। इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, पानी को अच्छी तरह एक उबाल आने के लिए छोड़ूंगी। जब तक तो पानी उबल रहा आ रहा है तब तक जो अंडी है उसमें मैं मसाला थोड़ा मिलाट कर लूंगी। पहले तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है, कांटा चम्मच है, तो मैं अंडे को बीच बीच में ऐसे ही कर दिया। इससे करने क्या होता है ना, तेल में हम जब फ्राई करेंगे ना तो तेल ऊपर जो छिटका होता है ना तो वो नहीं आएगा ऊपर, इसलिए मैं अंडे को ऐसे कर दूंगी।
देख सकते हैं मैं सारा आटा को ऐसे कर दिया है। मैंने यहाँ पर नमक आपको देखा ही नहीं, लेकिन कि नमक तो आप लोगों को पता है कैसे देना पड़ता है। तो पहले मैं इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अब ये सब को देख के मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह हल्दी में मिल जाए। अब चाहो तो हाथ से ऐसे मिला देना है, मैं जैसे मिला रही हूँ। ये आप देख सकते हो मैं हल्दी को ऐसे मिला के कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह हल्दी में मिल जाए। यहाँ पे मेरी जो पानी मैंने बैठाया था उसका थोड़ी उबलना आ रहा है। अभी जो इसमें मसाला रखा था वो मसाला दे दूंगी इसमें, तेजपत्ता, दालचीनी, ये जो इसको क्या बोलते हैं क्या पता वो दे दूंगी। ये सारा मसाला मैं इसमें दे दूंगी ऐसे करके। उसके साथ मैंने यहाँ पर ये तेल दे रहा है। तेल देने से क्या होता है ना, जो चावल मैंने डालूंगी वो चावल पूरा खिला खिला रहेगा, इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी सी तेल दे रही हूँ। तेल देने के बाद मैं उसमें नमक ऐड करूँगी, चावल के हिसाब से मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिला लूंगी। अभी पानी को एक बार अच्छी तरह उबलना आने के लिए, पानी उबलना आने के बाद मैं उसमें जो चावल रखा है वो चावल में डालूंगी। आप देख सकते हो चावल अच्छी तरह, सॉरी पानी अच्छी तरह उबलना आ चुके हैं। अभी मैं इसमें पानी सॉरी चावल ऐड कर दूंगी। मैं अच्छी तरह से ऐसे मिला लूँगी। अभी चावल को मैं पकने के लिए दूँगी। चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, चावल को सिर्फ 90% पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। उससे ज़्यादा पका दोगे ना तो जो बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो उसको ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। मैं इस पे से देखा मैंने चावल दे दिया है, चावल को अभी मैं होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे चावल को मैं एक साइड बैठा दिया, जब तक तो चावल हो रहा है तब तक मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ। जो बिरयानी के लिए प्याज चाहिए था, मैं यहाँ पे तेल बैठा दिया था, तेल भी मेरा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें गैस को हाई पर रखिए और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए, जैसे
इसको क्या पूरा अच्छी तरह 90 ग्राम कलर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज को आप यहाँ पर हाई पे रखिए और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके प्याज दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, एक बार दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दिया हूँ मैंने। मेरी हाथी खेल रहे हैं, उसका आवाज आप लोग को आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, लाल लाल कलर हो चुका है। अभी मैं इसको ऐसे पूरा तो निकालूंगा। बाकी प्याज रखा था उसको भी ले दूंगी। सेम इसी तरह इसकी मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे जो चावल मैंने बताया था, चावल थोड़ा मैं उसको हिला लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्याज हो रहा है, यहाँ पे मेरा चावल भी हो रहा है। मैं उसी तरह सेम उसी तरह उसको जैसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर जो चावल है वो चावल हो चुका है, आप देख सकते हो। वो पतला थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैं बड़ी पतला में बैठाया चावल। तो ये चावल अभी 90% हो चुका है, वो देखिए। और प्याज भी मैंने फ्राई कर दिया है, में बंद कर देती हूँ। और उसको इसमें जो मसाला रखा था उसको ऐसे निकाल देती हूँ मसाला। और उसको ऐसे छान लेती हूँ पूरा। चावल कैसे खिला खिला पूरा है। आप देख सकते हैं मैं उसको ऐसे पूरा छान लूंगी। आप देख सकते हैं मैं इसको साइड कर दूंगी। ये देख सकते हैं मैं चारा चावल, मेरे पास इतना बड़ा पतला नहीं है इसलिए इसमें निकाल दिया। अब नेक्स्ट चले देखते हैं मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई बैठा दिया, अंडी फ्राई पहले करूँगी उसके बाद मसाला बनाऊँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ये तेल दूँगी अंडी फ्राई करने के लिए। अब इसमें जो अंडी रखा था एक एक करके दे दूँगी। Thank you.
यहाँ पे आप देख सकते हो अभी क्या हो चुका है, मैं इसको निकाल लूंगी। सेम इसी कढ़ाई में और पूरी में डाल दूंगी। उसके साथ जो कटा हुआ प्याज लूंगी को अच्छी तरह लाल करके पैक कर लूँगी। उसमें नमक थोड़ा सा ताकि प्याज अच्छी तरह सब हो जाए, अच्छी तरह लाल भी हो जाए। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आप चाहे तो इसकी गोभी का टुकड़ा मतलब चॉप करके भी आप डाल सकते हो। मसाला को अच्छी तरह में तो मुझे काफ़ी इसमें जो कंसेप्ट मिले और चला जाए। अभी इसमें जो सूखा मसाला सब ऐड कर दूंगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब दे दूंगी। देने के बाद अच्छी तरह से मिला लूँगी। जो कटा हुआ टमाटर दे दूंगी इसमें। टमाटर देने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब इसमें और फिर इसमें नमक ऐड करूंगी। तो प्याज फ्राई करने के टाइम में नमक डाला था, चावल में भी नमक डाला, अंडे में भी नमक डाला, तो नमक हिसाब से देख के आपको ऐड करना है।
तैयार कर रही हूँ। ताकि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए, अदरक लहसुन और प्याज का जो कंचा स्मेल है वो चला जाए। उसको बीच बीच में ऐसे जलाना ताकि मसाला के नीचे ना जले। आप गैस को मीडियम पर रख सकते हो, ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है आपको। अभी मैं ढक्कन हटा रही हूँ, ये देखिए मेरी मसाला अच्छी तरह बन चुका है। अभी इसमें मैं थोड़ी सी पुदीना का पत्ता दूंगी और थोड़ी सी धनिया पत्ता दूंगी, उसके साथ जो फ्राई किया था प्याज उसको दे दूंगी। के साथ ये दही दूंगी। दही देने के टाइम पे गैस को पूरा लग कर दीजिए ताकि दही फटे ना। अभी ये सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। और 2 मिनट के लिए मैं उसको ऐसे चला दूंगी। आप किस तरीके में अंडा बिरयानी बनाते हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इस तरीके में बना रही हूँ तो मेरी तरीके में एक बार बना के खाना, बड़ा टेस्टी लगता है। अभी इसके साथ जो फ्राई भी हमें मसाला रखा था उसको दे देंगे थोड़ा पानी, अच्छी तरह मिला लेंगे। इसके साथ जो अंडा मैंने फ्राई करके रखा था उसको दे देंगे। उसको देने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। अभी गैस को मैं बंद कर दूंगी। नेक्स्ट चलिए मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जब मसाला हो चुका है अभी मैं बनाना चाहिए, यहाँ पे एक पतीला ले गया है। अभी पतीला में है थोड़ी सी तेल दूंगी, अभी पतीले में थोड़ी सी तेल दूंगी और उसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। चावल दिया है।
ठंडा करके रखा था मसाला, उसको दे दूंगी। के साथ पुदीना का पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, थोड़ी सी साई बिरयानी मसाला दूंगी। इसके बाद जो बचा हुआ चावल है उसके ऊपर दे दूंगी। ये प्याज और पुदीना का पत्ता मैं दे रही हूँ। प्याज इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करूंगी। उसके बाद एक गैस ऑन करके मैंने यहाँ पर एक तवा बैठाया, तवा भी मैं इसको दे दूंगी। अभी इसमें एक भारी से पतला कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पानी की पतला रखा है, ये आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर एक पेपर भी आप दे सकते हो, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं था, इसकी वजह से मैं पेपर नहीं दी। इसके नीचे मैंने ऐसे डायरेक्ट उसको ये करके बताया। अभी इसको होने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाऊंगी ये होने के बाद। अभी 25 मिनट के बाद मैं इसका ढंकन हटा के देखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, उसका खुशबू भी कितना अच्छा आ रहा है। मैं आपको अंदर से ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखिए मसाला से पहले हमने करके रखा था, ये आप देख सकते हो। मेरी जो अंडी बिरयानी है ये आप देख सकते हो, बन के पूरा रेडी है।
आपने तो देखा मैंने आलू बिरयानी कैसे बनाया, एक बार मेरी तरीके भी बना के खाना, बड़ा टेस्टी लगता है, सच में बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, आई होप ये वाला रेसिपी आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो नया आएगा आप उसको मिस ना कर सकते। लेकिन हाँ, एक बार अंडा बिरयानी घर पे बना के खाना और आपका फीलिंग्स जरूर मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर रखूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है, दोपहर का खाना भी खाना है। तो यहीं पर रखूँगी, आपके साथ कल मिलूँगी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।